घरोंडा के स्टोंडी गांव के पास आवर्धन नहर में एक कार गिर गई। कार में बाप और बेटा सवार थे। बेटे को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, जबकि पिता की मौत हो गई। गाड़ी को भी क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि बेटा विक्रम पुलिस में तैनात है। दरअसल करनाल के स्टोंडी गांव के पास आवर्धन नहर में अनियंत्रित होकर एक स्विफ्ट गाड़ी जा गिरी। गाड़ी में एक बाप और बेटा सवार थे। बेटे को गांव के युवकों के सहयोग से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पिता को नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद मौके पर पुलिस और गोताखोरों को बुलाया गया और क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। गाड़ी में ही पिता मौजूद थे, लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला गया वो अपना दम तोड़ चुके थे। यहां आपको बताते चले कि इस घटना से आसपास में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पुलिस और गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद पिता और बेटे को निकाला गया। बेटे का नाम विक्रम है और हरियाणा पुलिस का जवान है। बता दें कि अब विक्रम की हालत ठीक है और उसका इलाज फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि पिता रामपाल की इस हादसे में मौत हो गई। बता दें कि यह कोई पहला हादसा नहीं है जब आवर्धन नहर में गाड़ी गिरी हो। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं और कई लोगों की जान भी गई है। नहर के पुल का रास्ता टेढ़ा है, जिसके चलते अनजान लोग जो गाड़ी पर सवार होते हैं उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरती है। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। जो हमारा पुलिस का भी कल है, उसी में जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन जो लोकल लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी, उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। गाड़ी की अभी गाड़ी जैसे काफी गहरी है, ये 20-25 फुट तो कम से कम होगा और पानी भी बहाव तेज है। गाड़ी वहां गिरी थी, तो आईडीए से जितनी आगे आई है वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं गाड़ी ट्रेस करने की, और पॉसिबिलिटी जैसे भी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और देख रहे हैं जिस हिसाब से उनके पिता भी साथ चुनौतीपूर्ण काम है सर। पहले भी इस तरह के इंसिडेंट काफी सामने आया है। ये गाड़ी तो हमने 1.5 दिन लग गया था हमें निकालने में, तो इतना आसान नहीं है। पर जो मतलब हम हर संभव मदद है, गोताखोर भी हमारे यहाँ और जो क्रेन है मैग्नेट से भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी तो निकाल लेंगे हम, बट जो इसमें देखने वाली बात है कि उसके जो परिजन हैं, पिताजी हैं, उनका वो गाड़ी के अंदर है या नहीं, हम दुआ करेंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसके अलावा गांव के ही 2-3 युवक हमने आगे भी भेजे हैं, जहां ये पिछौलिया हेड और मुनक हेड आगे लगता है। अगर कुछ आगे देख लेंगे कोई अगर आगे है, पुलिस के कर्मचारी हैं जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन में आ रहा है, IRB के जवान है, जुंडला के रहने वाले हैं, तो उसमें वो सेफ हैं, भगवान की दया से उनको निकाल लिया। गांव के युवक ही हैं और इन्होंने बहुत बहादुरी काम करते हुए उनको क्या बताते एक बार आधिकारिक रूप से सर पूरी घटना के बारे में बता दें। हमें यहां से सरपंच बीजना ने सूचना दी थी कि जो ये स्टोंडी और बीजना के बीच में आवर्धन नहर है जी, कोई गाड़ी इसमें चली गई है। और यहाँ पे आके जब मौजूद लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम आसपास थे, जैसे ही गाड़ी अंदर जाने लगी हम आगे थे। एक बंदा जो जिसका नाम विक्रम है, जो हमारे पुलिस का ही जवान है, उसको उन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ निकाल लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। गांव के सर एक युवक जो विशाल राणा के ही 4-5 युवक थे, विशाल राणा और उसके साथ 3-4 साथी जी, तो उन्होंने ये बहुत बहादुरी का काम किया है जी। उसके बाद उनके जो पिताजी हैं विक्रम, जिनको निकाला गया, उनके पिताजी गाड़ी में ही रह गए, वो गाड़ी से नहीं निकल पाए। अब गाड़ी और उनको दोनों को निकाल लिया गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर साहब अभी आप बताएंगे, आधिकारिक रूप से अभी नहीं, आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कह सकते। लोगों से सर क्या इतनी देर में वहाँ तक दौड़ आए तो गाड़ी तो नीचे बैठ चुकी थी, जो उनके फादर थे वो गाड़ी से निकल नहीं सके। जो वो लड़का था पुलिसकर्मी वो गाड़ी से निकल गया, उसको हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया था। तो आप नहर में गए थे? हाँ जी, मैं नहर में गया था, 3 लड़के बाहर थे, यहाँ पे उनको निकाल लिया, यहाँ से निकाला था तो यहाँ पे लेटा दिया उनको। थोड़ी देर लेटने के बाद फिर वो बेहोश हो गए, अब उनको कल्पना चावल भेज दिया गया। तो उनके पिता को भी ढूंढने का प्रयास किया? प्रयास किया, फिर हम लोगों को मिले नहीं। तो गाड़ी कहाँ, वहाँ से गिरी थी? वहाँ कॉर्नर से गिरी थी गाड़ी, तेज रफ्तार वगैरह थी ऐसा बोल रहे हैं वो, तो स्विफ्ट गाड़ी थी। तो आप ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.